उसके हाथ में नामा जमा लिया जाएगा। जब बदले का दिन होगा, यौम उद्दीन बदले का दिन, उस दिन जब बंदा अल्लाह के हुजूर अपने दुनिया के अंदर कारनामे करके गया है, जब उसका रजिस्टर, जब उसका नामा जमा उसके हाथ में दबाया जाएगा, उसके हाथ में उसका रजिस्टर दिया जाएगा, कहा जाएगा पूरी पूरी जितना आज आदम का आखिरत जितने लोग आए मखलूक जिन्नात जो भी सबके सामने पड़ गए। जब उसका नाम आया माल, वो तो गुनाह करके भी गया होगा, वो तो अल्लाह की इबादतें करके भी गया होगा, ऐसी अशारियां बेकारियां और बदअखलाकियां सब कुछ करके गया होगा। जब उसका रजिस्टर सामने सबके सामने खड़ा करके उसके हाथ में दिया जाएगा, ये परवरदगार फरमाएगा बंदे पढ़ दुनिया के अंदर क्या करके आया है, तो बंदा क्या करेगा। अब यहाँ से रब की रहीम करेगी तो आप हिसाब लगाए, परवरदगार के सामने जब अपना रजिस्टर खोलेगा, अपना नामा अमाल खोलेगा, पढ़ना शुरू करेगा, तो जब वो पढ़ेगा परवरदगार फरमाएगा पहले अपने गुनाह जो तुमने दुनिया के अंदर गुनाह किए हैं, तो बंदा क्या करेगा उस रजिस्टर से जो उसने छोटे छोटे गुनाह किए हैं, छोटे छोटे गुनाह जो दुनिया के अंदर करके गया है वो पढ़ा जाएगा, परवरदगार के सामने रोज़े माशी करेगा, परवरदगार के सामने ऐसी तलाकी करेगा, वो छोटे छोटे गुनाह पड़ेगा, छोटे छोटे गुनाह भर के पूरा खाका खत्म कर देगा, पूरा नामा अमल खत्म कर देगा, परवरदगार से परवरदगार करेगा, परवरदगार मैंने पढ़ दिया, पूरा पढ़ लिया, तो परवरदगार तो परवरदगार है, उसने तो तुझे पैदा किया है, परवरदगार के सामने जाना चला रहा है, परवरदगार फरमाएगा, अल्लाह फरमाएगा बंदा या बंदे इतने गुनाह तूने पढ़ लिया मैंने माफ कर दिया, अब उसको अकल आई मैंने पढ़े तो पढ़े नहीं मैंने छोटे छोटे पढ़े, परवरदगार फरमाएगा मैंने जितने तूने पढ़ लिए माफ कर दिए, तो फिर वो अर्ज करेगा बोला तू ही रहीम है तू ही करीम है, बोला मैंने तो छोटे छोटे गुनाह पढ़े हैं ये तो माफ हो गए, बड़े बड़े तो अभी इधर ही है, परवरदगार फरमाएगा बंदे जा मैंने ये भी माफ कर दिए, परवरदगार आलम का अपने बंदे पर ये रहम है ये करम है।